Hello guys, this is Soumya here. In this video, I'm gonna show you how to take care of your bikes. तो आज इस वीडियो में मैं बताना जा रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में आपको क्या करना चाहिए आपकी गाड़ी में जो कि आपकी गाड़ी सही रह सके। तो पहला बात आपको करना चाहिए ये कि आपको गाड़ी को आप हर 3-4 दिन में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपका गाड़ी में मतलब सेल्फ स्टार्ट है तो आपको इंजन को स्टार्ट करके 3-4 मिनट या 5 मिनट तक आइडल रखना चाहिए। अगर आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं है या फिर दोनों है सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट, तो आपको ये बेहतर होगा कि आप किक स्टार्ट करके गाड़ी को रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी को आपका टायर प्रेशर आपको चेक करना है, क्योंकि अगर गाड़ी में टायर प्रेशर कम हो गया तो गाड़ी में जो टायर हैं उसमें साइड में क्रैक आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपका गाड़ी आपका बेसमेंट में खड़ा हो तो आपको 3-4 दिन में एक बार गाड़ी को आगे पीछे करना। तो अभी जा रहा हूँ मैं दोनों गाड़ी को अभी स्टार्ट करके आइडल कंडीशन में कुछ देर तक छोड़ दूँगा। ये न्यूट्रल में आके इसको स्टार्ट में रख दिया, इसको अभी आइडल में रखना पड़ेगा। गाड़ियाँ अभी स्टार्ट हो चुके हैं, अभी ये दोनों गाड़ी को अभी 3-4 मिनट या 5 मिनट तक आइडल कंडीशन में रहना होगा। तो अभी 3-4 मिनट हो चुका है, अभी मैं बंद कर रहा हूँ। एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, जब आप जहाँ पे भी अपना बाइक पार्क किए होंगे आपको वो उस जगह पे उस दोनों गाड़ी को अच्छी तरह से कवर करके रखना होगा। क्योंकि और एक बात है, अगर आप बहुत दिनों तक लॉकडाउन में आपका गाड़ी खड़ा है तो आप अगर हो सके तो आपका जो बाइक के टैंक है उसको फुल करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत दिनों तक आधा टैंक रहेगा तो क्या होगा ना, उसमें मॉइस्चर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपका फ्यूल टैंक का गैस वो गलत दिखा सकता है या फिर कुछ मॉइस्चर की वजह से कुछ रोस्टिंग वगैरह हो सकता है टैंक में। तो ये बेहतर होगा कि अगर आपके गाड़ी का टैंक को फुल रख सकते हैं तो ये बेहतर है। लॉकडाउन के दौरान जब आपका गाड़ी मतलब आप जब जाएंगे मेंटेनेंस करने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो गाड़ी का जो चेन है ये लुब्रिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि चेन बहुत जल्द सूख जाता है। अगर आपका गाड़ी रनिंग नहीं होता है तो गाड़ी अगर स्टैंड स्टिल खड़ा होगा तो ऑब्वियसली चेन सूख जाएगा, तो एक दिक्कत हो सकता है आगे जाकर। तो आपको मेक श्योर करना है आपका गाड़ी का जो चेन्स हैं वो लुब्रिकेटेड होना चाहिए। तो ये इतना ही था ये लॉकडाउन के बारे में मेरा, जो मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ मेरे गाड़ी के ऊपर, आप भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।